अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2. चूज द करेक्ट आंसर. नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू कीप फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स. कौन से ऐसे तरीके हैं जिसे हम खुराक को महफूज कर सकते हैं जरासीम से? फ्रीजिंग, कुकिंग, पैजिंग, ऑल ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज. इन तीनों तरीक़ों से हम खुराक को महफूज कर सकते हैं जरासीमों से. नंबर 2 है, व्हाट डू फ्लाइज पुट ऑन फूड सो दे कैन ईट इट. मक्खियाँ खुराक पर क्या गिराती हैं जिसके बाद वो उसे खाती हैं? सॉस, टीयर्स, स्लाइवा, वाटर. इसका करेक्ट आंसर है स्लाइवा. वो खुराक पर सबसे पहले स्लाइवा गिराती हैं, उसके बाद उसे खाती हैं. नंबर 3 है, बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर. बैक्टीरिया किस लिए इस्तेमाल होता है? योगर्ट, एंटीबायोटिक, ब्रेड, मिल्क. तो इसका करेक्ट आंसर है योगर्ट. या दही को तैयार करने के लिए काम आते हैं. नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ जर्म्स कॉज नमोनिया. कौन से ऐसे जरासीम जो नमोनिया की वजह बनते हैं? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ. इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया. इसके बाद नंबर 5 है, मिल्क इज पास्टराइज एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड 60 डिग्री सेंटीग्रेड 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका करेक्ट आंसर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके बाद है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स. नंबर 1, फूड्स पैक्ड इन अ फैक्ट्री कंटेन डैश. खाना जिसे फैक्ट्रीज में पैक किया जाता है उनमें क्या शामिल होता है? केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. उसके बाद नंबर 2 है, मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डैश पास्टराइजेशन. पास्टराइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था ना, क्या होता है ये? जिसमें दूध को गर्म किया जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ताकि उसमें जो मौजूद जरासीम है वो ख़त्म हो जाए. इसके बाद नंबर 3 है, लिविंग थिंग्स विच आर मेड ऑफ वन सेल आर कॉल्ड डैश ऑर्गेनिजम्स. लिविंग थिंग्स जिनके जो एक सेल वाले होते हैं क्या कहते हैं उन्हें? यूनिसेलुलर. इसके बाद नंबर 4 है, अ यूजफुल टाइप ऑफ डैश इज़ यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट. ये आपने एमसीक्यूज में भी पढ़ा ना कुछ देर पहले. कौन सी ऐसी टाइप है जिसे हम दही बनाने में इस्तेमाल करते हैं? तो वो क्या है? यूजफुल टाइप ऑफ बैक्टीरिया. उसके बाद नंबर 5 है, अ मशरूम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईडेबल डैश. मशरूम किसकी एग्जाम्पल है? फंगस. उसके बाद है, मेक दिस सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस. नंबर 1, इन्फेक्शंस कैन नॉट बी कॉज बाय स्मॉल वर्म्स. फॉल्स, क्योंकि स्मॉल वर्म्स की वजह से इन्फेक्शंस होती हैं. जब वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उनको तो इस वायरस फैलता है, बीमारियां फैलती हैं. उसके बाद नंबर 2 है, जर्म्स आर किल्ड बाय पास्टराइजेशन. ट्रू, पास्टराइजेशन के अमल में हम जर्म्स को ख़त्म कर देते हैं. उसके बाद नंबर 3 है, इन्फ्लुएंजा इज़ कॉज्ड बाय वायरस. ट्रू. इसके बाद नंबर 4, ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल. फॉल्स, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फीड भी होते हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि हम जो दही लगाते हैं उसमें बैक्टीरिया के एक यूज़फुल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये आपको नज़र आ रहा है अभी कुछ देर पहले हमने किया, यूज़फुल टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज़ यूज इन मेकिंग योगर्ट. इसके बाद नंबर 5 है, द बॉडी गेट्स विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. ट्रू. इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड वन आउट, गिव अ रीज़न फॉर योर सिलेक्शंस. हमने हमें ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें हम लोगों ने ऑड वन ढूंढने हैं. नंबर 1 क्या है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन एस. विटामिन एस सुना हुआ अभी आपने? नहीं. विटामिन एस ये क्या है? दिस इज़ नॉट अ विटामिन. इसके बाद नंबर 2 है, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्रोटीन, बैक्टीरिया. वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया ये तो एक क्लास में आ रही है, लेकिन प्रोटीन क्या है? नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एन एलिमेंट ऑफ फूड नीडेड बाय द बॉडी. उसके बाद नंबर 3 है, फ्लाई, टॉर्टोइस, मॉस्किटो, फ्लिया, सैंड फ्लाई. टॉर्टोइस क्या है? इसका टॉर्टोइस आर रेप्टाइल, नॉट एन इंसेक्ट. इंसेक्ट नहीं है इसलिए ऑड वन इसमें कौन सा है? टॉर्टोइस. नंबर 4 है, डायरिया, टॉसिस, मिजल्स, मलेरिया, हेडेक.
हमारे पास ऑड वन कौन सा है, हेडेक, क्योंकि एंड ये एन एलिमेंट बट नॉट अ डिजीज़,